अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस टाइप सो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमें ये शो करना है जबकि फंक्शन हमें इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे एफ एक्स तो हमें दे ही रखा है, तो पहले हम एफ वाई फाइंड कर लेते हैं। तो एफ वाई का मतलब क्या होगा, जहां पर एक्स होगा वहां पे वाई आ जाएगा। ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन एक्स कॉस सॉरी साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन, इस तरह से आ गया। अब यहां पे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले इसको फाइंड कर लेंगे, फिर इसको फाइंड कर लेंगे, और फिर चेक करेंगे कि दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं हैं। तो यहां पे इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं एक्स वाली माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। वाई वाली मैट्रिक्स को लिख लेते हैं कॉस वाई साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का इस साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसको इसके साथ जीरो, इसको इसके साथ जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, इसको इसके साथ प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, इसको इसके साथ जीरो, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये जीरो आ जाएगा। अब लास्ट वाला रो देख लेते हैं, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो जीरो फिर जीरो, तो यह तो जीरो हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसको इसके साथ जीरो, इसको इसके साथ जीरो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसको इसके साथ जीरो, इसको इसके साथ करेंगे तो वन, तो यहाँ पे आ गया वन। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे ये दे रखा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसके इक्वल होता है हमारा, ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई, ये कॉस एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। अब यहां पे ये देखो, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो ये किसके इक्वल होता है माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये हमारा इसके इक्वल होता है, और जीरो की जगह पर ऐसे जीरो लिख देंगे। यहां पे साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई है, तो होता ही है साइन एक्स प्लस वाई, ये जो है साइन एक्स प्लस वाई हो गया। यहां पे अगर हम देखें तो ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये किसके इक्वल है, ये जैसे यहाँ पे था सेम है दोनों, बस इसमें ये है कि ये वाला टर्म इधर पहले लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे जीरो। ठीक है, फिर जीरो जीरो वन, तो ये आ गई हमारी कौन सी मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। अब अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई देखें तो वो क्या आएगा, देखो जहां पर जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी ना हमारी ये वाली, ठीक है, इसमें जहां पर एक्स है वहां पर हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई,
माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये जीरो, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो 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 वन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये आ गया। अभी जो हमने एफ ऑफ एक्स इंटू एफ वाई फाइंड किया तो वो क्या है हमारा, वो इस तरह से है, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये भी इस तरह से है। तो दोनों क्या है, देखो सेम है, आइडेंटिकल है। इसको हम मान लेते हैं वन, इसको मान लेते हैं टू। तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्रूफ। तो ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया।